वेलकम फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। ओके, गिवन द फॉलोइंग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, फाइंड द करस्पॉन्डिंग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, आल्सो कंप्यूट द कोवेरियंस एंड कोरिलेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। इधर टेबल दिया गया है, ये एक्स वैल्यूज है, ये वाई वैल्यूज है, ए वैल्यू J11, J12, J13, J21, J23, J22, J23, J31, J32, J33 वैल्यूज है। ठीक है, फर्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड, फाइंड द करस्पॉन्डिंग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद कोवेरियंसेस सॉल्व करना है, उसके बाद कोरिलेशन भी फाइंड आउट करना है। ये तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन करना है। ओके, सॉल्यूशन फर्स्ट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इधर x मतलब एक्स आई वैल्यू लिखूंगा, बाद में इधर एफ ऑफ एक्स आई लिखूंगा। x वैल्यूज दिया गया है ऑलरेडी, ये x वैल्यूज है 2, 4, 6, इस तरह वैल्यूज दिया गया है। एफ ऑफ एक्स आई फाइंड आउट करना है, ये रो वाइज वैल्यूज लेना है, इसको ऐड करना है। इस तीनों को ऐड किया तो हमको 1/4 आ जाएगा, सेकेंड रो का इन तीनों को ऐड किया तो 1/2 आ जाएगा, थर्ड रो में ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ये हो गया। बाद में सेकेंड y लेंगे, yj एंड g ऑफ yj, y वैल्यूज दिया गया है 1, 3, 9। ओके, y ऑफ g ऑफ yj लेंगे, कॉलम वाइज लेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। ओके, फर्स्ट कॉलम इन तीनों को ऐड किए तो ये हो गया 1/12 हो गया, सेकेंड कॉलम को ऐड किए तो 1/3 हो गया, और थर्ड कॉलम को ये हो गया 1/6। यही है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, कोवेरियंस फाइंड आउट करेंगे। नाउ कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस म्यू एक्स, का मतलब है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, म्यू वाई हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। इन वैल्यू को फाइंड करके इस पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वन बाय वन फाइंड करेंगे। फर्स्ट इसको लेंगे हम म्यू एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला है एक्स समेशन आई एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, आई को 1, 2, 3 इस तरह लेंगे। ओके, आई इज इक्वल टू 1 ले तो ये दोनों आ जाएगा एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, आई इक्वल टू 2 ले तो एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू, एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स थ्री, इस तरह लेना है। एक्स वन इंटू एफ ऑफ एक्स वन ये हो गया 2 × 1/4, आई इक्वल टू एक्स टू इंटू एफ ऑफ एक्स टू 4 × 1/2 हो गया, एक्स थ्री एंड एफ ऑफ एक्स थ्री 6 × 1/4 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और ऐड किए तो ये हो गया 4। बाद में म्यू वाई, म्यू वाई है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, इसका फॉर्मूला है समेशन जे वाई जे जी ऑफ वाई जे, जे इज इक्वल टू 1, 2, 3 लेंगे, जे इज इक्वल टू 1 वाई वन ए वाई वन जी ऑफ वाई वन, वाई टू जी ऑफ वाई टू, वाई थ्री जी ऑफ वाई थ्री, इसलिए लेना है। ओके, सो जे इज इक्वल टू 1 वाई वन इंटू जी ऑफ वाई वन 1 × 1/2, टेक जे इज इक्वल टू वाई टू इंटू जी ऑफ वाई टू 3 × 1/3, टेक जे इज इक्वल टू 3 वाई थ्री इंटू जी ऑफ वाई थ्री 9 × 1/6, इसका हो गया यूजिंग कैलकुलेटर इसका हो गया 3 हो गया। ठीक है, बाद में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, इसका फॉर्मूला है समेशन आई जे एक्स आई वाई जे जे आई जे। ठीक है, ये फॉर्मूला है आई इक्वल टू 1 जे इज इक्वल टू 1 ले तो एक्स वन वाई वन जे वन वन, ये जे वन वन जे वन टू जे वन थ्री जे टू वन जे टू टू जे टू थ्री जे थ्री वन जे थ्री टू जे थ्री थ्री वैल्यूज है। ओके, ए एक्स वैल्यूज है, ए वाई वैल्यूज है। ठीक है, टेकिंग आई इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1, ये हो गया एक्स वन वाई वन जे वन वन। ठीक है, प्लस आई इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू एक्स वन वाई टू जे वन टू। ठीक है, प्लस I इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 3 एक्स वन वाई थ्री जे वन थ्री, इस तरह वैल्यू आ जाएगा। ओके, बाद में हम एक्स टू लेंगे एंड एक्स टू वाई वन, एक्स टू वाई वन जे टू वन, ए आ गया 1/4, प्लस एक्स टू आई टू इज टू वाई जे टू इज टू। ओके, नाउ एक्स टू सॉरी 4 एक्स टू वाई टू जे टू टू। ठीक है, बाद में एक्स टू वाई थ्री जे टू थ्री हो गया, प्लस बाद में हम एक्स टू एक्स थ्री लेंगे,
आई इक्वल थ्री, जे इज इक्वल टू वन टू थ्री लेंगे, एक्स थ्री वाई वन जे थ्री वन प्लस एक्स थ्री वाई टू जे थ्री टू, लास्ट में एक्स थ्री वाई थ्री जे थ्री थ्री, इस तरह वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई यूजिंग कैलकुलेटर वी गेट 12, हो गया आंसर 12 आ गया। ओके, हम इसको इक्वेशन नंबर वन मेंशन करेंगे। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर वन बिकम्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज 12 एंड म्यू एक्स म्यू वाई, मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वैल्यू इज 4, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई वैल्यू इज 3, 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, वैल्यू 0 आ गया। ओके, कोरिलेशन भी फाइंड आउट हो गया, बाद में कोवेरियंस फाइंड आउट हो गया, कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। नाउ कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, इसका फॉर्मूला आता है रो ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इधर देखिए कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई वाले के 0 है, 0 बाय स्टैंडर्ड ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको फाइंड आउट करना जरूरत नहीं है बिकॉज ये वैल्यू ऑलरेडी 0 है, 0 बाय एनीथिंग इज ए 0, यही आंसर है। अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आएगा। आपको इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स का वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में चाहिए, आपको हर मॉड्यूल का वीडियोज मिलेगा। थैंक यू।